इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 21 अक्टूबर कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इस बीच वो चेहरे बेनकाब हो रहे हैं जिसकी कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि गुंजन सेठ शहर के काफ़ी जाने माने मशहूर जमीनी विवाद से नेतागिरी इन दिनों में चर्चे में थे, जिसका खुलासा तो आप सभी के सामने हुआ, लेकिन अब एक और खुलासा आपके सामने हो रहा है। यानी गुंजन सेठ के बाद एक और चेहरा सामने नज़र आया है जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिर कौन है? दरअसल ये वही शख्स है जिसने गुंजन सेठ को लेकर असदुद्दीन ओवैसी पर पिछले कई दिनों से तंज कस रहा था। तंज ही नहीं बल्कि विरोध भी किया था। अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस शख्स की, पहले आप पहचान खुद करें। तो हम आपको पूरी कहानी तो बताएंगे ही, गौर से देखें आखिर ये शख्स अपने आप को कौम का हमदर्द बता रहा है। दरअसल इस वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वो 23 नंबर की गाड़ी यानी जितेंद्र आव्हाड की गाड़ी में एक्टर एजाज खान कैसे आकर बैठते हैं और थोड़ी देर बाद 23 नंबर गाड़ी से एक्टर एजाज खान निकलकर, यानी दूध का धुला हुआ शख्स अपने आप को बताने वाला कैसे इस तस्वीर में बेनकाब हो रहा है। हम फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है आमदार जितेंद्र आव्हाड की गाड़ी में एक्टर एजाज खान बैठकर मीटिंग करते हैं। यही नहीं, इस वीडियो में मुन्ना साहिल भी नज़र आ रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी चौंका रही है और सोशल मीडिया में भी वायरल हो रही है। एक तरफ एक्टर एजाज खान MIM से टिकट नहीं मिला तो असदुद्दीन ओवैसी पर अपनी भड़ास निकाल रहे थे, तो वहीं जितेंद्र आव्हाड को भी रह रहकर कोस रहे थे। जिस आव्हाड के सामने चुनाव में खड़े होने की बात कर रहे थे, जिस आव्हाड को कब्रस्तान चोर बता रहे थे, यही नहीं MIM के कार्यकर्ताओं को अपनी ओर खींच रहे थे, लेकिन वो खुद उसी जितेंद्र आव्हाड की गाड़ी में बैठकर जितेंद्र आव्हाड के साथ मीटिंग किए। अब इसे आम जनता क्या समझेगी, कौन नेता सच्चा है कौन नेता झूठा है? पहले गुंजन सेठ का मामला सामने आया, शहर में हाहाकार मच गया। एक बार फिर एक्टर एजाज खान की कारनामे की तस्वीर 23 नंबर गाड़ी यानी जितेंद्र आव्हाड के साथ नजर आई। हाईवे के पास एक तरफ बारिश हो रही है और उसी दौरान एजाज खान अपनी गाड़ी से निकले और जितेंद्र आव्हाड की गाड़ी में बैठे। अब जिस तरह से एजाज खान की ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और एजाज खान अब बेनकाब हो रहे हैं, धीरे धीरे एजाज खान की सच्चाई भी अब लोगों के सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब जनता किस पर भरोसा करे और किस पर ना करे, ये जनता के लिए एक अहम बात हो गई है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।